अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप देख रहे हैं आज को 11वां साल चलता आ रहा है, लगातार 11 साल से ये अल्लाह ताला मैं और हमारे भाई जनाब इमरान आरिफ पाशा, हमारे वालिद जनाब आरिफ पाशा साहब, फारूक पाशा साहब, हम सब मिलकर हम ये 11वां साल है ये जो रमज़ान रेशन किट का जो इंतज़ाम कर रहे हैं, ये 11वां साल है, ये हर साल ये करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इस लायक का बनाया कि अल्लाह, मैं सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस और गरीब को देने के लिए मुझे दिल दिया। मैं और मेरे भाई हम सब मिलकर ये खिदमत करते आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि दिन रात जो है जो मरीज हैं या कोरोना से मुतासिर हों, मुख्तलिफ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो क्या मामला जो है उसमें से ऐसा कोई मामला हमारे नाज़रीन को बताइए जिसे सबसे ज़्यादा आपको जो रंज हुआ हो। ऐसा तो खिदमत करते आ रहे हैं, अभी कोविड का जो मसला महामारी चल रही है, जब से गए साल से देखते आ रहे हैं, साल से लगातार ये बढ़ते जा रही है। उस वजह से हम जो फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं, मैं हो या हमारे जनाब इमरान आरिफ पाशा और मैं हो, लगातार मरीज़ों की खिदमत के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, हॉस्पिटलों का, बेडों का, ऐसे कई चीज़ों का इंतज़ाम करते खिदमत करते आ रहे हैं। अल्लाह हमको खिदमत के वास्ते चुना है, उसलिए हम करते आ रहे हैं। और कई सारे जो है ऐसे मरीज़ आपने देखे, या कोई एक ऐसा वाकया जिसे देखकर आप भी जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा रंगजदा हुए? परसों हाल एक मरीज़ मेरे से आके मुलाकात किया, वो मुलाकात करने के बाद मैं उसको एक बेड का इंतज़ाम किया था आईसीयू का, मेडजल हॉस्पिटल में हेब्बाल में, हमारे एक दोस्त की लिंक से मैं उधर हेब्बाल में आईसीयू बेड किया, इधर से मैं एम्बुलेंस रेडी कर कर उसको मैं भेजा। भेजने के बाद वो हॉस्पिटल में पहुँच कर अभी भी एक 5 लहजे हुए नहीं, उसने दम छोड़ दिया। मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत रंज हुआ मेरे को, क्या अल्लाह ऐसे आदमी डेथ हो रहा है कर कर, मेरे को बहुत दिल दुख गया। इधर कहीं भी हमारे इलाके में, विजयनगर में, ऐसे आसपास में बहुत से जगह मैं कोशिश किया बेडों का, मेरे हाथ से जितना हो सके, मेरी उतनी ताकत नहीं, मैं उतना पावरफुल आदमी नहीं, फिर भी मैं हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं लगातार आदमियों के बीच में खिदमत करने की कोशिश करता आ रहा हूँ। ऐसे के मैं मणिपाल हो या स्टार हॉस्पिटल हो या मधु हॉस्पिटल हो या मातास हो, निमांस हो, ऐसा कई हॉस्पिटलों में मैं बेड का इंतज़ाम करके दिया। मैं समझता हूँ आज की हालत में मैं बहुत खुशनसीब हूँ मैं अपने आप को कि अल्लाह ताला मेरे से ये खिदमत करने का अल्लाह ताला मुझे मौका दिया। मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं कई आदमियों को इंजेक्शनों से, दवाइयों से, बेडों से, ऐसे कई तरह के कामों को अल्लाह ताला मुझे खिदमत करने का मौका दिया।